वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आपका 10 बजे की इस क्लास में। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हमारे यहाँ, इसलिए वीडियो लेट भी मिले तो माफ कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉप 45 जनरल साइंस के MCQs में, जहां पर लेकर आए हैं आज सेट नंबर 5। ये वीडियो जो है आपके उन एग्जाम के लिए जो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, इनफैक्ट बिहार कांस्टेबल की भी जो दूसरे चरण की जिनकी परीक्षाएं बची हुई हैं, उसके अलावा RRB NTPC SSC जिस भी सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे गए भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको बीच में बताता रहूंगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आपको उत्तर करना है। 45 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड सारे ये क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अब सामान्य विज्ञान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस करते हैं। यहां पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं आपको, अभी तक 4 क्यूज दे चुका हूं, 5वां है आज का ये। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आंसर आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। सुबह के 6 बजे अगर जो लोग करेंट अफेयर की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज करेंट अफेयर जरूर पढ़े, क्योंकि हर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और देखा जाए तो जो भी एग्जाम हो रहा है ना, तो 6 महीना 1 साल के अंदर का ही करेंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे आपको 2019 का भी पूरा करेंट अफेयर कराया जा चुका है, 18 का भी कराया जा चुका है। तो जाके वहां से देखिए प्लेलिस्ट में, वीडियोस लगातार देखते रहिए। स्टैटिक जीके का भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, वहां जाए, वहां के टॉपिक देखें, वहां के क्वेश्चन आर देखें, वो इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो देख लीजिएगा जिनका भी बिहार दरोगा का प्रीलिम्स निकला हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सोनार। देखिए सोनार क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है। सोनार का मतलब होता है दोस्तों, इट्स अ साउंड नेविगेशन एंड द रैंगिंग, ठीक है। सोनार निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है दोस्तों नौ संचालकों को देखने के लिए, यानी कि जो चीज़ें समुद्री इलाकों में, समुद्र में या महासागरों में डूबी हुई होती है, उसका ये खोज कर निकालता है। एक ऐसा यंत्र है जो कि नौ संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी वस्तुओं को हम लोग निकाल सकते हैं। उच्च आवृत्ति की प्रासव तरंगों का उपयोग करते हैं इसमें, जो कि महासागर में अगर गहराई में भी कोई चीज़ें चली जाती हैं, तो उसमें वहां भेजा जा सकता है इस सोनार को, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली अभी हमने बात की है इसकी, सोनार की, तो आंसर डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कौन सी तरंगे यूज करते हैं, प्रासव तरंगे, जो कि महासागर की गहराई में भी जाके ये चीज़ों को ढूंढ निकालता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ये फिजिक्स साइंस से आपका क्वेश्चन है, आंसर जरूर कीजिएगा। हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आना भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो को यार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने आंसर्स को, और इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, है ना, ताकि और भी लोग जुड़े आपके साथ। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, वो है ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, जबकि एनोनोमीटर जो होता है, एनिनोमीटर है ना, इसके द्वारा क्या करते हैं, तो वायु का वेग मापते हैं, वायु में कितना वेग है वो हमें प्राप्त होता है। और क्रोनोमीटर अगर पूछ दे, है ना, क्रोनोमीटर का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो ये एक ऐसा यंत्र है, यानी कि उपकरण है, या एक ऐसा मशीन है जो कि तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और आदि जितने भी परिवर्तन होते हैं, उसके बावजूद समय का पूर्व परिशुद्धता के साथ ये मापन करता है। समझ गए आप चीज़ों को, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब में परिवर्तन के बावजूद भी समय का ये क्या करता है, परिशुद्धता के साथ इसका मापन करता है, ठीक। ऑडियोफोन जो होता है दोस्तों, ऑडियोफोन, ये दोष युक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो भी आपको अगर प्रॉब्लम है सुनने में, सुनाई देने में, तो उसका ऑडियोफोन का लोग यूज़ करते हैं, कि जिनको कान की बीमारियाँ होती हैं वो लोग एक्चुअली। समझ गए इन सभी चीज़ों को, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो जरूर आंसर कीजिएगा। जैसे कि 5वां क्वेश्चन आ ही गया, अभी हमने बताया कि आपको एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा पवन का वेग के लिए, आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, वायु की गति यानी कि वायु का वेग मापने किस द्वारा मापी जाती है, जल्दी से बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, इट्स अ एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, देखिए नहीं बोला गया है तो इसलिए गलत वाला चीज़ हमको फाउंड करना है यहाँ पे। तो ये टैकियोमीटर जो है, ये दबांतर
बताया गया है, ये गलत है। यहाँ पे जो टेक्योमीटर है, टेक्योमीटर टी ए सी एच ई ओ एम ई टी ई आर है ना, टेक्योमीटर जो एक प्रकार का क्या है, ये सर्वेक्षण उपकरण है। क्या? सर्वेक्षण, ये सर्वे करता है, ठीक है, जो कि कैसी तो क्षैतिज दूरी यानी कि पृथ्वी पे जो डिस्टेंस है, या लंबवत हो, या उन्नावन हो, या फिर ऐसी दिशाओं में त्वरित मापन हो, उसके डिजाइन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, डाबांतर बता दिया गया है। ये क्या है? तो एक सर्वेयर यंत्र है, ठीक। चलिए याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पाइरोमीटर किसके मापन के प्रयोग लाया जाता है। बिल्कुल, देखिए पाइरोमीटर मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, इट्स उच्च ताप के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में, यूपी पीसीएस या फिर हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की, या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, या छत्तीसगढ़ की, वहाँ पे सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर कर लीजिएगा, उच्च ताप के लिए हम लोग यूज करते हैं टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर की सहायता से। हम लोग क्या करते हैं तो इसकी सहायता से अत्यधिक जो उच्च ताप होते हैं उसको हम लोग माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। फटाफट आंसर करेंगे, पाइरोमीटर, अभी मैंने बताया यार, आंसर कीजिएगा, आंसर आप लोग भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किस पाइरोमीटर को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन वही है, पलट कर अगर पूछ दे आपसे तो आप क्या क्या उत्तर कर सकते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। आंसर कीजिएगा क्या यहाँ पे, बिल्कुल आंसर जिनका भी आ रहा है, विकिरण तापमापी यानी कि इट्स अ बी, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होता है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, पाइरोमीटर नोट कर लीजिएगा, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, 3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया, तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया लेकिन क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पायर हीलियोमीटर, ठीक है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए होता है। तो फिजिक्स साइंस का ये प्रश्न है, आप भी उत्तर करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए सौर विकिरण को नापने के लिए हम लोग मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पायरोनोमीटर का भी और पायरी हीलियोमीटर का भी, ठीक है, ये दो उपकरण है, दोनों का नाम पूछ दे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, पायरोनोमीटर, पायरोनोमीटर और एक पायरी हीलियोमीटर, ठीक, जो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे गैसों के दाब की हम लोग यहाँ पे इसकी मापन करते हैं इस यंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, तो देखिए एमीटर को हम लोग क्या नापने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं धारा के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा हाइग्रोमीटर को मैं आपकी कल बता चुका हूँ कल की क्लास में, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता मापती है ये, ठीक। उसके अलावा स्प्रिंग जो तुला है वो, तो वो दोस्तों आपको भार मापती है, और बैरोमीटर दाब मापती है, तो ये आपका कुछ सम्मिलन इस तरह से होगा, तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 3421 आंसर हो गया बी आपका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है, है ना। अगर आप लोग देखिए कल एसटीईटी का एग्ज़ाम था शिक्षक के लिए, तो बहुत सारे छात्र वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे, जिनका भी पेपर कंप्यूटर साइंस का था, उन लोगों ने देखा होगा कि साइंस का क्वेश्चन वहाँ से कुछ ज़्यादा रिलेटेड था, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सभी क्वेश्चन में लगभग है ना ये नहीं का बोल के उपयोग किया गया है, मतलब चीज़ों तो पता होगा ही लोगों को, लेकिन नहीं डालकर वहाँ कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत की गई थी। वो चीज़ें आप लोग देखे होंगे कल के पेपर में, एसटीईटी का जिसका भी पेपर था बिहार स्टेट का, ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो पेपर सबको मिला हुआ है, अगल बगल से मांग के देख लीजिएगा जो एग्ज़ाम लोग दिए होंगे। चलिए आंसर कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का आज का ये, और अभी हम देखेंगे फिर केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, एमीटर को यहाँ पे विद्युत शक्ति मापक यंत्र बताया गया है, जबकि एमीटर क्या है तो धारा मापने का एक यंत्र है, विद्युत धारा मापता है ये, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल्य तत्व है यहाँ पे, तो आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सिलिकॉन,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें खोज की, तो ये 1824 में इसकी खोज की गई थी जे जे ब्रेजिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? तो जे जे ब्रेजिलियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह जो है लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना हुआ है। सिलिकॉन जो है इसका चिप भी आता है, जो कि कंप्यूटर में सामान्यतः यूज किया जाता है इसके सेमीकंडक्टरों में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सर्वाधिक अधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो आंसर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ये तत्व है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है। ये 3/4 से अधिक हाइड्रोजन, 1/4 से कम हीलियम तथा जो अधगतन होता है उसकी स्थिति में यह सबसे कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन की ज्वलन हो सकता है। ये आंसर नोट कर लीजिएगा। महाविस्फोटक के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब इसकी व्याख्या की गई हाइड्रोजन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व, क्या बोल दिया भाई, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्धता कौन से मूल तत्व में है? तो ये है दोस्तों आपका सिलिकॉन, ठीक है। याद रखेंगे इसकी खोज 1824 ईस्वी में की गई थी, 24 में, है ना, जे जे ब्रेजिलियस के द्वारा, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा। सिलिकॉन से हम लोग देखिए कंप्यूटर में इसका चिप बनाने का निर्माण करते हैं, जो कि सेमी कंडक्टरों में इसका चिप यूज होता है, तो सिलिकॉन का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विश्व में, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो तत्व यानी कि एलिमेंट की बात की गई यहाँ पे, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, महाविस्फोट के बाद यहाँ पे जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसको 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था उस समय जब विस्फोट हुआ था ब्रह्मांड का, तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग दोस्तों यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 100, नोट कर लीजिएगा अभी। जी हाँ, 100 तरह के ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं रासायनिक तत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी, हीरा जो है यहाँ पे एक मूल तत्व है, ठीक है। हीरा रासायनिक कार्बन रूप में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और एक क्रिस्टलीय अपरूप है। किसका? तो कार्बन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ कार्बन, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा क्या है ये, कार्बन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु के तत्व के लिए है ये? चलिए आंसर कीजिए। थोड़ा सा अब हम लोग धातु, खनिज, अयस्क इन सभी से भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ये भी चैप्टर आपका। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 2882 जो है ये किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है धातु के तत्वों का। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है दोस्तों 2 और 8 होता है नियोन का, 2 8 8 होता है अक्रिय गैस आर्गन का, और 2 8 7 के लिए हम लोग क्लोरीन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण जो है 2 8 8 2 जो है ये हम कैल्शियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये चारों मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बिल्कुल जो दिए गए विकल्प हैं इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील धातु देखें तो पोटेशियम है दोस्तों, आंसर आपका डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, और उसके बाद आपका आयरन होता है। तो ये एक क्यू है उसका, है ना, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, देन आयरन, ये इसका सही लाइन है। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित धातुओं युग्मों में से किस एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों लिथियम एवं ऑक्सीमियम का, नोट कर लीजिएगा। लिथियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। इसका परमाणु भार कितना होता है? तो 6.9 होता है समथिंग, और इसका घनत्व कितना होता है यानी कि वॉल्यूम अगर पूछे तो 0.5 होता है वॉल्यूम इसका। पारा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो 80 होती है, ठीक, याद रखिएगा। और इसका परमाणु भार 200 होता है। और ऑक्सीयम का अगर हम बात करें, ऑक्सीमियम का, है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि संख्या होता है 76, ठीक, और इसका जो भार होता है परमाणु भार 190 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम की बात करें तो 13 ही होता है मात्र यहाँ पे इसका, है ना, 13 होता है परमाणु संख्या, और परमाणु भार 26 होता है, 26.9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट है
कि जो आपका आंसर होगा ये बी होगा, लिथियम और ये हल्की पूछा है ना, हल्की पूछा है यहाँ पे, तो लिथियम और ऑस्मियम का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों, कठोर है हमारा हीरा, ठीक है, वो डायमंड जिसे हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन है? इन धातुओं में बताना है, ठीक है। तो धातु में देखिए, इसमें जो प्लेटिनम है वो सबसे कठोर धातु है, और अधातु है हमारा हीरा, है ना, जो कि कार्बन के रूप में होता है, ठीक, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तनय है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, नाइक्रोम। जी हाँ, ये किस धातु की बात हो रही है? तो ये पदार्थ की बात हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा तनय है, यानी कि मतलब तनय यानी कि कठोर होता है ना। देखिए, कार्बोड्रम एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और एल्युमिनियम का गुणधर्म क्या होता है? तो ये युक्त होता है, जो कि कठोर और तनय होता है, ठीक, नहीं होता है, तनय नहीं होता है, ठीक है। और नाइक्रोम का जो होता है ये सबसे ज़्यादा यानी कि क्या होता है, कठोर होता है और तनय होता है, लेकिन जो कार्बोड्रम का है ये सबसे मतलब लचीला होता है, कह सकते कठोर नहीं होता ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जल्दी बताइए। तो ये होगा दोस्तों यूरेनियम, सबसे हैवीएस्ट है, ठीक है। इसका जो आपका परमाणु भार होता है वो 238 होता है, ठीक है, 238.3 है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, तो धातु अभी मैंने बताया यूरेनियम ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु, तो महंगी धातु पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बीपीएससी क्वेश्चन दोनों ही, जो भारी और जो महंगी धातु है वो है आंसर आपका दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो करीब 118 तत्व शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि धातु, अधातु, अक्रिय गैस में उपधातु, जो आपका जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं मेटालॉइड आदि के रूप में वर्गीकृत किया भी गया है। अगर हम बात करें आवर्त सारणी की कैलिफोर्नियन की, तो परमाणु क्रमांक इसका 98 है और कैलिफोर्नियम का जो है भार है वो 252 है, और कैलिफोर्नियम का एक समस्थानिक है तत्व ये। रोडियम की बात करें इसमें, तो रोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 45 है, और जो है कि एक मेटल है जो कि वर्गीकृत किया गया इसको धातु के रूप में। जबकि एंड्रोहेड्रल की अगर हम बात करें, है ना, एंड्रोहेड्रल की जो अगर आप आपका ए ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड्रोहेड्रल की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो ये फ्लोरीन तथा ट्रिट्रियम धातु श्रेणी में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहिए, सबसे महंगी अगर धातु की बात करें दोस्तों, ये है आपका कैलिफोर्नियन 252, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कि मोती है ये, एक्चुअली मोती लिख दिया गया है, मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है, है ना, मोती है ना, सीप मोती आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जैसी, ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए कैल्शियम कार्बोनेट जैसी। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे कुछ बायोलॉजी से, यानी कि कुछ जीव विज्ञान से, लाइफ साइंस से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप भी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, कि जीव विज्ञानों में पादप जगत और प्राणी जगत में जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, कि ढूंढ निकालना है और पहचान लिया गया है, संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन है आपके सामने ये, तो आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे, कीटों की सबसे ज़्यादा ये संख्या अभी तक ढूंढ ली गई है और उसको पहचान भी लिया गया है, लगभग 15 लाख ऐसे कीट हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है, ठीक है, कथन और कारण पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके बाद इसका कूट दिखलाता हूँ, फिर आपको उत्तर करना होगा। तो कथन है दोस्तों यहाँ पे, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, ठीक, इसका कारण दिया है क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर करना है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन है आपके यहाँ पे देख लीजिएगा, इट्स ए और आर दोनों ही सही है, यानी कि कथन और इसका कारण बिल्कुल सही है, आर जो है यानी कि जो कारण है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है यहाँ पे, ठीक है। चूँकि अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा की, तो एक क्या है ये दोस्तों, तो देखिए जीव विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो जीव जगत में सबसे ज़्यादा तो कीट पाए गए, ठीक है, और अमीबा की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो एक प्रोटोजीवा कोशिकीय जंतु होता है जो कि प्रायः द्विखंडन की विधि से जनन करता है,
और प्रायः एक ही कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक विधि के द्वारा जनन यानी कि प्रजनन करते हैं, उसकी क्रिया करते हैं। ठीक, चलिए आंसर हमारा ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो कि अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। देखिए इनको कहते हैं क्या, तो समतापी यानी कि होमोथर्मल इसको कहते हैं, अर्थात गर्म रुधिर वाले यानी कि वार्म ब्लडेड भी कहते हैं इनको। वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है, और इसके अंतर्गत जो पक्षी होते हैं जैसे बर्ड्स या स्तनधारी होते हैं जैसे कि हम लोग भी हैं, है ना, जबकि असमतापी के रूप में आते हैं, मत्स्य मछलियाँ होती हैं, उभयचर सरीसृप इत्यादि ये सारे जो जंतु आते हैं ये जिनके शरीर के ताप जो होता है वो वातावरण के अनुकूल घटता और बदलता रहता है, लेकिन जो होमोथर्मल होते हैं वार्म ब्लडेड जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन आता है, बर्ड्स होती हैं यानी कि चिड़ियाँ होती हैं, और कौन होता है तो हम लोग होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं बोला गया है तो सभी इकाइनोड्रम सजीव क्या है, प्राजक होते हैं, ये कहा गया है यहाँ पे गलत कहा गया है इसको। देखिए जो इकाइनोड्रम जो होता है ना, इकाइनोड्रम तो ये समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय समिति के एक जीव हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेंटामोरस रेडियल सेमेट्री। ठीक है, पेंटामोरियस रेडियल सेमेट्री, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये कौन से समूह में आते हैं, तो यूमिडाजुआ के समूह में आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा समझिएगा, ये कथन यहाँ पे यही गलत है, बाकी ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। तो नहीं है मैं आंसर करिएगा दोस्तों, स्टार फिश जो है एक मछली नहीं है, ये एक समुद्री जंतु है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में, और छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए मैं आपको बिहार दरोगा के मेंस के रिगार्डिंग ही ये तैयारी इसलिए करा रहा हूँ कि अभी वही करेंट में एग्ज़ाम है, और ये क्वेश्चन सारे इन ऐसा नहीं है कि रेलवे में नहीं पूछे गए हैं, वहाँ भी पूछे गए हैं प्रश्न ये सारे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देख कर जाएंगे। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है। तो आंसर कर देंगे यहाँ पे, कैटफिश जो है एक वास्तविक रूप में मछली है, इसको हम लोग सिल्वर फिश कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप में मछली है। वास्तविक रूप में मछली है वो तो समुद्री घोड़ा है, इसमें ऑप्शन जो है, ठीक है, हम लोग स्टार फिश कहते हैं इसको। ठीक है, स्टार फिश कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। और जो सितारा मछली इसको नाम जाना जाता है, ये क्या है, तो एक वास्तविक रूप में मछली का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, अब इनमें से भी बताइए आप भाई। तो बिल्कुल आंसर सी कर लीजिएगा, समुद्री घोड़ा, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना, तो क्वेश्चन बदल के आ रहा है, मतलब क्वेश्चन कन्फ्यूज़ किया जा रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है इसमें, तो व्हेल मछली है भाई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ब्लू व्हेल के नाम से इसको जाना जाता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में की प्रणाली है। तो आंसर करेंगे स्तनपाई। ठीक है, स्तनधारी मैंने बताया अभी आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई है इसमें से, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप, यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा इट्स अ व्हेल। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके। निम्नलिखित में से प्रजातियों में से कौन सा दांत वाली व्हेल में विशालतम है, दांत जिन मछलियों के होते हैं, है ना, ये स्तनपाई हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, स्पर्म व्हेल। ठीक है, इसका नाम है स्पर्म व्हेल। ठीक है, और इसको विशालतम दांत वाली व्हेल मछली कहा जाता है, और पूर्ण वयस्क है ये नर स्पर्म व्हेल, 50 से 55 फीट लंबी या फिर 35 से 45 टन वजन वाली ये मछलियां हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अंडे देती है और सीधे बच्चे नहीं देती है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों इट्स एकिडिना, नोट कर लीजिएगा। एकिडिना जो है ये प्लेटिपस एकमात्र है जो कि अंडे देने वाली स्तनपाई जीव है। ठीक है, ऐसा स्तनपाई जीव है जो अंडे देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, उड़ने वाली स्तनपाई, बिल्कुल आंसर करेगा दोस्तों चमगादड़ है इसमें, जो कि उड़ सकता है। ओके, आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, इट्स अ डी, चमगादड़। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीव में से कौन सी पक्षी वर्ग में नहीं आती है।
नहीं आती है, तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ ए चमगादड़। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन पलट के पूछ देंगे, उड़ने वाली पक्षी में वर्ग में नहीं आती है, पक्षियों के वर्ग में नहीं आती है, ये स्तनपाई में आती है, ठीक है, स्तनधारियों में, ठीक है, जो कि उड़ सकती है। तो दोस्तों आज के सिनारियो में आज हमने आपसे कुल 45 प्रश्न पूछे, आपने कितने उत्तर सही किए और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।